नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रशासनिक संरक्षण के कारण रेत माफिया इतने सक्रिय हैं कि वह रात दिन शहर से लेकर गांव की सड़कें तक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली लेकर पुलिस थानों से लेकर अन्य सरकारी दफ्तरों के सामने से होकर फर्राटे भर कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे एक मामला देखने को मिला ग्राम मड़िया में, जहां पर तहसीलदार के एन ओझा और माइनिंग इंस्पेक्टर सुमित गुप्ता और पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त कार्यवाही में जहां पर पोकलेन और जेसीबी को जब्त कर सुबुद्र की सरपंच प्रतिनिधि दीपक राय को दी गई। इसके बाद भी खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सुपुद्रगी में दी पोकलेन पनडुब्बी दोबारा खनिज माफियाओं ने वही चालू कर दी। इतना सब होने के बाद, आरोपियों पर कार्रवाई होने के बाद भी प्रशासन मौन बना हुआ है। संवाददाता दीपक राय की रिपोर्ट।